मेरी एक बात मानेंगे, बस एक बार अपने घर में नजर घुमा करके देख लीजिए। कुछ वैसे आइटम्स दिख रहे हैं जो सालों से पड़े हुए हैं, पुराने हो गए लेकिन उनका कोई यूज नहीं है, जैसे आपका पुराना टीवी, रेडियो या स्मार्टफोन है, तो फिर होल्ड ऑन और इसे कबाड़ में फेंकने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि सरकार एक नई स्क्रैप पॉलिसी लाई है जिसके तहत 134 सामानों की लिस्ट बनाई गई है जिसमें आपके स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप ये सब शामिल है और इनकी एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट तय की गई है। एक्सपायर होने के बाद इन प्रोडक्ट्स को आपको स्क्रैप करवाना ही पड़ेगा। पूरा माजरा क्या है आज के डे इन हिंदी एक्सप्लेनर में समझते हैं। दरअसल फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मंत्रालय ने ऐसे 134 सामानों की लिस्ट बनाई है जो अगले 10 साल में कबाड़ हो जाएंगे। इनकी एक्सपायरी के बाद लोगों को इन सामानों को नष्ट कराकर इसका सर्टिफिकेट लेना होगा। वहीं इसके बाद नया सामान लेने पर कार की तरह ही आपको छूट मिलेगी। सरकार के इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि इन सामानों की एक्सपायरी आने के बाद इन्हें डैमेज करने की जिम्मेदारी ब्रांड या कंपनी की होगी। अब आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मौजूद हैं, उनकी एक्सपायरी डेट एक एक करके बताते हैं। फ्रिज की एक्सपायरी है 10 साल, सीलिंग फैन की 10 साल, वॉशिंग मशीन की 10 साल, रेडियो की 8 साल, स्मार्टफोन की 5 साल, लैपटॉप की 5 साल, टैबलेट और स्कैनर की भी 5-5 साल। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्क्रैप पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू भी हो चुकी है और इस ई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए देश भर में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स खोले गए हैं। इन सेंटर्स पर इकट्ठा होने वाला ई वेस्ट सीधे रिसाइकलिंग एजेंसीज के पास जाएगा जो अपने ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स में उसे स्क्रैप करेंगे। ये भी बता दें कि ऐसा नियम बनाने वाला भारत कोई पहला देश नहीं है, दुनिया के 140 देशों में ऐसी ही ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू है। अब देखिए, ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है आपके घर में पड़े पड़े ई वेस्ट में तब्दील हो जाते हैं और इससे हमारे हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। जो ई वेस्ट है उससे बहुत से ऐसे खतरनाक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे सांस, फेफड़ों के कैंसर और स्किन रिलेटेड बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसीलिए इन एक्सपायरी डेट्स के खत्म होने के बाद आपको इन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को स्क्रैप करवाना ही होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे इंडिया में व्हीकल्स की स्क्रैप पॉलिसी है, यानी 15 साल के बाद आप उस व्हीकल को सड़क पर चला नहीं सकते, उसकी अनुमति नहीं है और आपको उसको स्क्रैप करवाना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने भी साल 2022 में ई वेस्ट पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2017 में भारत में 7 लाख टन ई वेस्ट पैदा हुआ, 2018 में ये बढ़कर 7,50,000 हो गया, 2019 में तो ये और ज्यादा बढ़कर 10 लाख टन हो गया और साल 2022 में तो 16 लाख टन ई वेस्ट सिर्फ भारत में पैदा हुआ था। एक सर्वे के मुताबिक पूरे इंडिया में अगर सारे घरों को मिला लिया जाए तो करीब 20 करोड़ 60 लाख ई वेस्ट मौजूद है और इन्हीं सबको कलेक्ट करके रिसाइकल करने के लिए सरकार ये ई वेस्ट स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है, जो एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कदम है और हमें भी इस इनिशिएटिव में अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डे इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।